गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। मेरा चाय पानी हो गया, खाना दाना हो गया। यह अमरूद इलाहाबाद से आई है। अब तो हर जगह मिलती है अमरूद, इलाहाबाद से भी बढ़िया मिलती है, लेकिन स्वाद वो नहीं रहता है। आज मैंने मीशो से कुछ मंगाया था लड्डू गोपाल के लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको देख के ही समझ गए होंगे आप क्या हैं। अनबॉक्सिंग हो चुकी है, छोटू कर दिया है। मैंने कहा देख लो, कहीं टूटा फूटा होता है, कुछ मिसिंग होती है तो फिर वापस करना पड़ता है। ये है हमारे लड्डू गोपाल का आसन, सिंहासन, आसन, सोफा, जो भी बेड जो भी कहना हो आप कह लो। बहुत ही प्यारा सा है, आपको दिखा रहे हैं। ऐसे रखते हैं बोतल से टिका के। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। ये स्टील तो नहीं है, लेकिन पैसे के अकॉर्डिंग ठीक है, पैसे बहुत कम लगे हैं। ये है कितने का? 150 का है, 150 जिसको बोलते हैं। तो मेरे पास छोटे से ही लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने छोटा जानबूझ के मंगाया कि बहुत बड़ा क्या होगा। ये सब जैसे ये सब वो है, क्या कहते हैं उसको, फाइबर पे स्टील प्रिंट चढ़ा दिया गया है। स्टील नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। 150 में क्या कोई ले गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये लड्डू गोपाल का? मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे देखो, ऐसा होता है ना कि ऐसे बैठे रहेंगे अब इसी पे। बेड मानो, सोफा मानो, ये बेड ही है। हमको लग रहा है, नहीं बेड नहीं लग रहा है। अभी पढ़ते हैं इस पे क्या है। ये सिंहासन है, ये सिंहासन है। तो अभी तो हमारे गोपाल जी उठे नहीं हैं, पर उनके पास मुझे ले जाना है। अभी हमारे मंदिर का दरबार खुला नहीं है, मतलब दरवाज़ा, और इसको मैं ऐसे रख दे रही हूँ। जब उठेंगे भगवान, नहलाया धुलाया जाएगा। कैसा लगा आप लोगों का सिंहासन? इधर सब्जी कट पिट किए हैं, सब्जी ख़त्म हो चुकी है, सब्जी लेने जाना पड़ेगा। धान धान दरा रही है। आज इनके लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आज इनका स्कूल जो था, ये मतलब देव के बाबा हैं, हमारे बच्चों के बाबा हैं, आज बहुत ही दुख की बात है। मेरे लिए नहीं दुख की बात है, लेकिन इनके लिए दुख की बात है। आज ये स्कूल से निकाल दिए गए हैं। स्कूल का निकालने का तरीका जो था बहुत ही गलत था। इतने पुराने टीचर को इस तरीके से निकाला गया, नहीं निकालना चाहिए इस तरीके से, निकालना चाहिए। उम्र समय को देख के आदमी काम करता है, लेकिन आदमी सम्मान के साथ उसको निकालता है ना। अगर उसी के हड़क में इनको कुछ हो गया तो फिर क्या करना चाहिए? आदमी सम्मान से कहता है कि आप घर जाओ, अब आप नहीं हिसाब किताब से हो, पढ़ाने में असमर्थ हो, जो भी हो, इस तरीके से बोलना चाहिए था। लेकिन कुछ तो असर होता है ना, नहीं कहना चाहिए वीडियो पे, और ये वीडियो मेरे स्कूल के लोग भी देखते हैं। मन में तो आ रहा है कि फ़ोन करूं, लेकिन मैं फ़ोन नहीं करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी कि इस स्कूल पे भी मुझको बदनाम किया गया है, और स्कूल वाले भी लोग 90% मुझे हमेशा गलत बोलते हैं, तो मैं फ़ोन नहीं करूंगी। नहीं, मैं फ़ोन करके और सबको बता देती कि तुम लोग बच्चों को शिक्षा क्या दोगे जब तुम्हारे पास खुद ही शिक्षा की कमी है। इस तरीके से किसी को
ठीक है आप नहीं, आपके स्कूल के हिसाब किताब का है आदमी, तो उसको सम्मान के साथ आज 14 साल 15 साल से पढ़ाया है आदमी, तो निकालो आप। लेकिन सम्मान से निकाला जाता है ना, ऐसे नहीं निकाला जाता जैसे तुमने निकाला। लेकिन मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं लड़ूँगी, वरना मैं इन सबको अभी एक मिनट में बताती कि कैसे निकालना चाहिए, कैसे पुराने टीचरों को। अरे सरकारी स्कूल से सीख लो कि कितना सम्मान के साथ निकाला जाता है। कोई गलती भी नहीं थी, हाँ उम्र हो गई है, ये सही बात है, उम्र हो गई है, उम्र से स्कूल। आप बताते हैं कि अब आप काम करने की उम्र में नहीं है, घर बैठिए रेस्ट करिए, ये आपके घर वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से जाति का तो असर होना चाहिए ना, लेकिन अच्छा भी हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का इनको भी शान बहुत ज़्यादा था। हमारे लिए तो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा है, मेरे सेहत पे कोई असर नहीं कि स्कूल से निकाले गए क्या है ये वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि गलत तरीके से निकाला गया, मुझको तो पता भी नहीं था। तो तब से वैसे ही टेंशन पड़े हैं ना, उड़े हैं ना, बिछाए हैं ना, खाना ना खाना तो वैसे भी वो इधर उधर ही खाते हैं। दूसरे घर का बासी बहुत पसंद आता है, लेकिन घर के ताजे नहीं खाना खा पाते हैं। दूसरे घर का बासी चावल भुना ये वो, और अपने घर का ताज़ा चावल नहीं पसंद आता, जो स्वाद ही नहीं मिलता। और कोई बात नहीं, मेरे सेहत पे कोई असर नहीं है, निकाले गए या क्या, लेकिन ये है कि बुरा ये लगा कि जिस तरीके से निकाला गया वो सही तरीका नहीं था। किसी के लिए भी होता तो उतना ही बुरा लगता है जितना इनके लिए लगा। मैंने कहा वीडियो बनाऊं, रोज़ लेट हो जाता है, पता नहीं क्या ना शाम तक कन्वेस्टर में क्या दिक्कत आई है कि शाम मेरा मतलब वीडियो लोड करते करते चाहे कितना भी अम्बी रहे ख़त्म हो जा रही है। इसको आज देखना है, मैं क्या देखूंगी, देव ही देखेगा। आँखें पता नहीं क्या पड़ गया है, पता नहीं कैसे काला काला कभी कभी दिखने लगता है। नीचे चलो, कपड़ा भी ठीक से सूखा नहीं है, अभी टाइम तो हो गया है निकालने वाला, लेकिन अभी छोटू आएगा निकल के ले जाएगा। आयरा दो दिन से ना क्या होता है कि पता नहीं क्या हो जाता है, काइनवास्टर में बहुत ज़्यादा एमबी ले ले रहा था। मैंने सोचा कि आज क्यों ना टाइम से ही वीडियो पब्लिक कर दूँ। नीचे आ चुकी हूँ, मैं कपड़े को चेंज करूँगी और फिर काम पे लगूँगी, खाना दाना बनाना पड़ेगा ना। मैं इससे बंद कर रही हूँ पागलों की तरह, इसको खोल के छोड़ देती हूँ। तो मैं ये अपना तामझाम निकालूं और काम करना है ना, साड़ी ख़राब हो जाती है रोज रोज धुलने से। आग काफ़ी थकी थकी है मेरी, मुझको सोना है जल्दी ही। मिलते हैं आप लोगों को। आज मालती चौहान का काम था, हम लोग जा नहीं पाए, बहुत ही अफसोस है, और अफसोस करने से अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं तो तबीयत की वजह से नहीं जा पाई, और भी जो लोग हैं मेरी वजह से नहीं जा पाए, दो लोग तीन लोग, अगर मैं गई होती तो सारे गए होते मेरे ग्रुप वाले। अच्छा लगता है ना कभी कभी कि देखो अपने को इतना इम्पोर्टेंट लोग मानते हैं, देते हैं।
मेरा मन था जाने के लिए, लेकिन वो सब माहौल ना मेरे बस की बात नहीं इसलिए मैं गई एक दिन किनारे में जाके देख के चली आई, आज नहीं, आज मुझको नहीं जाना था। देखते हैं फिलहाल, कभी तो कभी फिर एक दिन जाएंगे उसके बेटे से मिलने, युवराज से, क्योंकि युवराज को देख के ना बड़ा अजीब सा दर्द होता है, लगता है खुद पे बीते हुए हैं ये पल ये सब। तो अभी छोटा है ना, अच्छा है, छोटा है, हर गम से बेगाना है, काफ़ी दुख होता है ना, झेल नहीं पाता आदमी हर पल हर दिन हर घड़ी। याद ना करो, कुछ याद ना आए। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में, कल हेलो। के ब्लॉग में। मेरा वीडियो चल नहीं रहा है, मुझको बहुत बुरा सा लग रहा हाँ है। किसी को बोल रहा हेलो है, छोटू बात कर रहा है, चैनल पे नहीं आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के साथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, वीडियो देख लो आप लोग, अच्छी लगे शेयर भी कर दो। बहुत दिक्कत है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, क्या करने के लिए बुलाए हैं, पूछ नहीं पाए क्या करने के लिए बुला रही हैं। वो लोग नहीं आ पाए, तुम लोग जा रहे हो, जाओ। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, कल के ब्लॉग पे। चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के साथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, वीडियो देख